खबरों की नई पहचान। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कानवा स्थापना दिवस पर धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में होगा भव्य कार्यक्रम, जिसको लेकर आज संयोजक मंडली के द्वारा परिषदन में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर सभा स्थल पर धनबाद जिला प्रशासन की ओर से डीएसपी विधि व्यवस्था अरविंद कुमार बिन्हा पहुंचे और निरीक्षण किया। वहीं मीडिया को बताते हुए कहा कि पार्टी आधारित कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री जी का भी आगमन होगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी अपने स्तर से तैयारियां कर रही है। देखिए, चूंकि स्वर्ण जयंती हम लोगों को अवसर प्राप्त नहीं हो सका कोरोना के कारण, तो इस वर्ष 51वां वर्षगांठ है झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना हुआ, और चूंकि धनबाद की धरती में झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना हुआ जो आज पूरे राज्य में और देश के कई भागों में कार्यरत है, तो ये इस वर्ष हम लोग एक भव्यता दे रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हवाई मार्ग से आएंगे, तो इस बार दिन में कार्यक्रम करके शाम को समाप्त कर देंगे, क्योंकि उनको वापसी में उसकी कठिनाई नहीं हो सके, इस वजह से समय को 12 बजे का हम लोग तय किए हैं। ये तो प्रथम है। दूसरा क्या है कि जो इस बार आप देखेंगे कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता या नेता हैं उनके लिए तो ये ज़रूर है आना, लेकिन आम झारखंडी की सहभागिता इस बार बहुत बड़े स्तर पर होगी, जिसका आप 4 तारीख को आप देख पाएंगे। फरवरी को यहाँ जेएमएम का स्थापना दिवस है और उस कार्यक्रम में सीएम सहित कई मंत्री भी आ रहे हैं, तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री महोदय के आने की सूचना है, तो उसी के आलोक में हम लोग है जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर हम लोग क्या सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए, किस तरह से भीड़ नियंत्रण हो, इस सब बिंदुओं पर हम लोग जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा उसके लिए हम लोग एक निरीक्षण करने आए हैं। उसके अलावा अभी जब अभी पुनः अभी कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा ये पंडाल कंप्लीट होने तक, उसके आधार पर हम लोग फोर्स का डिप्लॉयमेंट करेंगे। क्या चाहिए? नहीं, ये तो चूँकि पार्टी का कार्यक्रम है तो ये पार्टी वाला को ज़्यादा ये पता होगा, पर हम लोग को जो दिशा निर्देश है उसके आलोक में हम लोग जो अभी वेरिफिकेशन करने आए हैं कि कैसे कैसे प्रोग्राम इन लोग का कार्यक्रम करना है और उसके आलोक में हम लोग का क्या सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए वो।